पिछले कुछ दिनों से ही गुजरात टाइटंस की बहुत चर्चा हो रही है। इसका कारण यह था कि उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े ट्रेड में से एक बनाया जब उन्होंने अपने कप्तान और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया। इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया और आगामी सीजन को देखते हुए गुजरात ने शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान भी बनाया। हार्दिक के चले जाने के बाद गुजरात को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी होगी और वे नीलामी में कुछ बड़े खिलाड़ी खरीदकर हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन होंगे वो खिलाड़ी, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर ए, शार्दुल ठाकुर। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने से ऑलराउंडरों का असर भले ही कम हो गया हो लेकिन निचले क्रम में बल्लेबाजी करने में सक्षम तेज गेंदबाज अब भी काफ़ी महत्व रखते हैं। शार्दुल ठाकुर को उनकी भारी कीमत के कारण आईपीएल 2024 नीलामी से पहले ही रिलीज कर दिया गया। हालांकि वह गुजरात टाइटंस के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बैठा सकते हैं। ठाकुर हर तरह से गुजरात के लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं। नंबर दो, डैरिल मिचेल। अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की बात आती है तो डैरिल मिचेल निश्चित रूप से गुजरात टाइटंस के कुछ बड़े नामों में से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं। यही नहीं, अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से किसी एक के संघर्ष करने की स्थिति में वह मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारतीय पिचों में उनकी फॉर्म निश्चित रूप से उन्हें इस महीने के अंत तक एक बड़ा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है। नंबर तीन, मनीष पांडे। मनीष पांडे एक अनुभवी बल्लेबाज हैं जो पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वह मध्य क्रम में अपनी शांत बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। उनका आईपीएल रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाने और कठिन परिस्थितियों से टीम को निकालने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। पांडे का अनुभव उन्हें गुजरात के लिए बिल्कुल अच्छी पिक बनाती है जो भारतीय खिलाड़ियों के साथ अपने मध्य क्रम को मजबूत करना चाहता है। उम्मीद है कि इस साल आईपीएल सीजन में गुजरात की सफलता में वह बड़ा योगदान देंगे। नंबर चार, लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन को पिछले सीजन के दौरान हैमस्ट्रिंग का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पिछले साल केकेआर के लिए केवल 3 ही मैच खेले। इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में न्यूजीलैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। गुजरात का इरादा इस स्पीड स्टार गेंदबाज को फिर से अपनी टीम में शामिल करने का होगा। नंबर पाँच, अजमतुल्ला ओमारजई। इस फैक्ट के कारण कि क्रिकेट में ऑलराउंडरों को अधिक महत्व दिया जाता है, आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान अजमतुल्ला ओमारजई के एक मजबूत दावेदार होने की उम्मीद है। ओमारजई ने 2021 में अपना वनडे डेब्यू किया और तब से शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 मैचों में 393 रन बनाए और 13 विकेट भी लिए। अजमतुल्ला ने 24 T20 मैचों में 185 रन बनाए हैं और 11 विकेट लिए हैं। वनडे विश्व कप के दौरान भारत में उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें आईपीएल में बड़ी सफलता दिला सकता है। ऐसे में गुजरात उन पर गोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो आपके हिसाब से गुजरात अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।